सभी विद्यार्थियों को नमस्कार। स्वागत करता हूं मैं आप सभी का गायत्री कॉलेज सांचौर द्वारा संचालित इस ऑनलाइन क्लास में। आज हम पढ़ेंगे क्लास बीएससी सेकेंड ईयर के सब्जेक्ट बॉटनी का एक टॉपिक जिसका नाम है टाइप ऑफ एम्ब्रियोसैक, या हिंदी में कहेंगे हम भ्रूण कोष के प्रकार। प्रिय विद्यार्थियों, हम थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं कि इससे पूर्व की क्लास में हमने किस टॉपिक के बारे में डिस्कस किया था और उस टॉपिक का संबंध आज के इस टॉपिक से कैसे है और क्यों है। हमने पूर्व की क्लास में युग्मोक्त भित या मादा युग्मोक्त भित के विकास के विभिन्न पद समझे थे कि किन किन स्टेप के द्वारा एंजियोस्पर्म में फीमेल गैमेटोफाइट का निर्माण होता है। इसके बाद में जो हमें संरचना समझी थी वो थी भ्रूण कोष या फीमेल गैमेटोफाइट की संरचना। बीजांडकाय की आर्किस्पोरियल सेल्स जो सघन जीव द्रव्य युक्त होती है, समसूत्री विभाजन के द्वारा मेगा स्पोर मदर सेल का निर्माण करती है अथवा स्पोरोजीनस सेल्स का निर्माण करती है। स्पोरोजीनस सेल्स की कोई एक कोशिका या एक से अधिक कोशिका या कोशिकाओं का समूह मेगा स्पोर मदर सेल के रूप में प्रयुक्त होता है। ये जो हम बात करें वो इससे पूर्व की क्लास में हम डिस्कस कर चुके हैं। पूरा समझने के लिए पूर्व के वीडियो को आप जरूर देखें। मेगा स्पोर मदर सेल में अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा कुल चार मेगा स्पोर का निर्माण होता है। चारों मेगा स्पोर सामान्यतः रेखिक क्रम में या लीनियर फॉर्म में स्थित होते हैं। इसमें से तीन मेगा स्पोर जो बीजांड द्वारीय सीरी की ओर या माइक्रोपाइल एंड की ओर स्थित होते हैं वो निष्क्रिय हो जाते हैं, जबकि बीजांड द्वारीय सीरी की ओर स्थित मेगा स्पोर सक्रिय रह करके भ्रूण कोष या फीमेल गैमेटोफाइट का निर्माण करता है। इसलिए उसे फंक्शनल मेगा स्पोर या सक्रिय गुरु बीजाणु कहते हैं। फंक्शनल मेगा स्पोर तीन बार समसूत्री विभाजन द्वारा विभाजित होकर सात कोशिकीय आठ केंद्रकीय भ्रूण कोष का निर्माण करता है। क्योंकि बनने वाली संरचना बहुकोशिकीय होती है एवं मादा युग्मक का निर्माण करते हैं, इसलिए वैज्ञानिकों ने इस अल्पजीवी संरचना को गैमेटोफाइट नाम दिया। मादा युग्मक का निर्माण करने के कारण इसको फीमेल गैमेटोफाइट कहते हैं। और इसी संरचना में फर्टिलाइजेशन के पश्चात भ्रूण का डेवलपमेंट होता है, इसीलिए इसको एम्ब्रियोसैक भी नाम देते हैं। इसीलिए एंजियोस्पर्म के फीमेल गैमेटोफाइट का नाम
या दूसरा नाम क्या हुआ, एम्ब्रियो सैक। इस प्रकार की संरचना हम पहले पढ़ चुके हैं। इससे आगे कि उस एम्ब्रियो सैक का डेवलपमेंट कैसे होता है, ये हमने सामान्य संरचना के रूप में देखा। तो क्या निर्मित होने वाले गुरु बीजाणु, कौन से गुरु बीजाणु, जैसे एक चार गुरु बीजाणु बने थे, क्या ये चारों गुरु बीजाणु सक्रिय रह करके एम्ब्रियो सैक का निर्माण नहीं कर सकते? या फिर हमारे मन में ये भी प्रश्न आता है कि इसमें से दो गुरु बीजाणु सक्रिय हो, एक क्यों रहता है, दो रह जाता है, क्या उससे एम्ब्रियो सैक का निर्माण नहीं हो सकता? अथवा केवल एक गुरु बीजाणु ही सक्रिय रहेगा तो उससे बनने वाले भ्रूण कोष किस प्रकार का होगा, इत्यादि प्रकार की विभिन्नता है। सबसे पहले पी माहेश्वरी द्वारा, जिसे फादर ऑफ प्लांट एम्ब्रियोलॉजी भी कहा जाता है, भारत में सबसे ज़्यादा एम्ब्रियोलॉजी से संबंधित स्टडी पी माहेश्वरी सर के द्वारा की गई है। इन्होंने अपनी एक पुस्तक निकाली थी, इन इंट्रोडक्शन टू एम्ब्रियोलॉजी ऑफ एनजीओ स्पर्म, जो कि 1950 से 1963 के मध्य पब्लिश हुई थी। मैं एनजीओ स्पर्म में पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के भ्रूण कोषों के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई है। तो सबसे पहले माहेश्वरी सर ने यह बताया था कि एनजीओ स्पर्म में कई प्रकार के भ्रूण कोष पाए जाते हैं। अब ये भ्रूण कोष किस स्थिति के आधार पर होगा, तो इसके लिए कुछ कारणों का निर्धारण किया गया कि ऐसा क्यों होता है। तो सामान्यतः क्या होता है कि एक मेगा स्पोर मदर सेल से मियोसिस के द्वारा चार मेगा स्पोर का निर्माण होता है। तो हो सकता है कि इसमें से एक मेगा स्पोर ही भ्रूण कोष का निर्माण करें, अथवा दो करें, अथवा चारों गुरु बीजाणु मिलकर के करें। तो नंबर ऑफ मेगा स्पोर जो कि भ्रूण कोष में भाग लेने वाले हैं के कारण अलग अलग प्रकार के भ्रूण कोष पाए जाते हैं। दूसरा आता है नंबर ऑफ सेल डिवीजन इन न्यूक्लियस ड्यूरिंग डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो सैक, भ्रूण कोष के निर्माण के दौरान होने वाले समसूत्री विभाजन जो केंद्रक में होते हैं। तो होता कैसा था कि सबसे पहले जो सक्रिय गुरु बीजाणु वो विभाजित होकर के दो केंद्रकों का निर्माण करते थे, दोनों ध्रुव अलग अलग ध्रुवों पे गमन करने के पश्चात फिर एक समसूत्री विभाजन होते थे, तो कुल दो दो केंद्रकों का निर्माण हुआ, फिर एक समसूत्री विभाजन हुआ तो कुल चार हुए। तो क्या तीन बार समसूत्री विभाजन होता है या दो बार ही होता है अथवा एक बार ही होता है, तो उस भ्रूण कोष के विकास के दौरान होने वाले सेल डिवीजन भी अलग अलग प्रकार के भ्रूण कोष को निर्मित करने के लिए उत्तरदायी है। इनके द्वारा जो तीसरा कारण बताया गया था वो था ओरिएंटेशन एंड नंबर ऑफ न्यूक्लियस इन मैच्योर एम्ब्रियो सैक। जैसा कि हम जानते हैं कि एक परिपक्व भ्रूण कोष में एंटीपोडियल सेल्स होती हैं जो निभागे सिरे की ओर स्थित होता है, एक एपरेटस होता है जो बीजाणु द्वारा सिरे की ओर होता है, और एक द्वितीयक केंद्र की द्वितीयक कोशिका पाई जाती है जो कि मध्य में स्थित होती है, और इसका निर्माण दोनों ही सिरों पर स्थित या ध्रुवों पर स्थित एक एक केंद्र के द्वारा होता है। ये अलग बात है कि दोनों केंद्र समान नहीं होते हैं, लेकिन कुछ एक प्लांट पर समान होते हैं। तो यहाँ पर कितने केंद्र किस सिरे की ओर स्थित है, जैसे तीन होने चाहिए एंटीपोडियल पे और नहीं हो, दो हो या एक हो तो एक अलग प्रकार का बन जाता है। सहायक कोशिका दो के स्थान पर एक हो जाए तो भी एक अलग प्रकार के भ्रूण कोष का निर्माण हो सकता है।
तो इनकी द्वारा कुल तीन कारण ऐसे निर्धारित किए गए जिसके कारण एंजियोस्पर्म में सामान्य एक प्रकार का भ्रूण कोष नहीं होकर के अलग अलग प्रकार के होते हैं। वापस रिमाइंड कर लीजिए कि भ्रूण कोष में भाग लेने वाले मेगास्पोर की संख्या, मेगास्पोर के केंद्रक में होने वाले समसूत्री विभाजन, और तीसरा एक परिपक्व भ्रूण कोष में उपस्थित केंद्र की स्थिति और उनकी संख्या। पी माहेश्वरी ने विभिन्न कारणों के कारण डेवलपमेंट या डेवलप एम्ब्रियो सेक को कुल तीन श्रेणियों में विभक्त किया या तीन भागों में डिवाइड किया। ऐसे भ्रूण कोष जिनका निर्माण केवल एक गुरु बीजाणु से ही होता है, अर्थात भ्रूण कोष का निर्माण में केवल एक गुरु बीजाणु भाग लेता है, वो मोनोस्पोरिक प्रकार का एम्ब्रियो सेक कहलाता है। इसमें फिर दो है कि निभागीय सिरे को स्थित गुरु बीजाणु भाग लेगा अथवा बीजाणु द्वारा सिरे की ओर, इसके आधार पर कुल दो प्रकार के, पॉलीगोनम प्रकार का और इनोथेरा प्रकार का। दूसरे कैटेगरी में उन भ्रूण कोष को रखा गया जिनका निर्माण एक के स्थान पर दो गुरु बीजाणुओं से संपन्न होता है। इसमें भी दो प्रकार के हैं, एलियम प्रकार के और एंडिमियन प्रकार के। और तीसरे प्रकार के वो भ्रूण कोष हुए जिनका निर्माण चारों गुरु बीजाणुओं से होता है, अर्थात सामान्य परिपाटी के विपरीत जिसके अंदर के तीन विघटित हो जाने थे और एक ही सक्रिय रहना था, तो यहाँ पर चारों गुरु बीजाणु सक्रिय रह करके भ्रूण कोष का निर्माण करता है, उसको टेट्राइस्पोरिक एम्ब्रियो सेक के नाम से जाना जाता है। इसके अंदर भी दो वेरिएशन आता है कि कुछ ऐसे टेट्राइस्पोरिक एम्ब्रियो सेक होता है जिसमें केंद्र का सलेन नहीं होता है, और कुछ में केंद्रकों का सलेन होने के पश्चात फिर भ्रूण कोष का निर्माण होता है। ऐसे टेट्राइस्पोरिक एम्ब्रियो सेक जिसमें केंद्रक सलेन नहीं होता, उसमें नंबर एक एडोक्सा, दूसरा प्लेमेगो, तीसरा पेपेरोमिया, चौथा पीनिया टाइप का और पांचवा ड्रूसा प्रकार का। तो कुल कितने प्रकार के हुए? पांच प्रकार के हुए। जबकि ऐसे टेट्रास्पोरिक एंडोस्पर्म जिसमें केंद्रक सलेन होता है वो फर्टेल एरिया प्रकार के और प्लेमेगा प्रकार के, इसमें कुल दो प्रकार के हुए। तो पांच और दो, सात प्रकार के एम्ब्रियो सेक एंजियोस्पर्म में टेट्रास्पोरिक प्रकार के पाए जाते हैं, दो प्रकार के बाइस्पोरिक प्रकार के पाए जाते हैं और दो ही प्रकार के मोनोस्पोरिक प्रकार के पाए जाते हैं, अर्थात कुल 11 प्रकार के एम्ब्रियो सेक वर्तमान के एंजियोस्पर्म में प्रोफेसर पी माहेश्वरी के द्वारा रिपोर्ट किए गए हैं। तो कुल कितने हुए? 11 प्रकार का। इसमें से 81% पादपों में पॉलीगोनम प्रकार का एम्ब्रियो सेक पाया जाता है, जो सबसे ज़्यादा या प्रारूपी की एम्ब्रियो सेक के रूप में मानते हैं, जाना जाता है। अब हम एक एक एम्ब्रियो सेक को विस्तार से पढ़ते हैं कि इनका डेवलपमेंट किस प्रकार से एकल अथवा दो अथवा चारों गुरु बीजाणु के केंद्रकों से होता है। इसके साथ में हम ये भी देखेंगे कि ये कौन से प्रकार के पादपों में पाया जाता है। विभिन्नता होने के कारण एंटीपोडियल सेल्स, एगेप्रेटस और सेकेंडरी न्यूक्लियस पर क्या प्रभाव पड़ता है और इस प्रभाव के फलस्वरूप इसकी सूत्रगुणता में किस प्रकार का परिवर्तन आता है। एम्ब्रियो सेक के विभिन्न प्रकारों की आउटलाइन समझने के बाद अब हम पढ़ते हैं कि प्रत्येक प्रकार के एम्ब्रियो सेक का निर्माण कैसे होता है। तो
पहला जो हमारा लिया हुआ टॉपिक है वो है मोनोस्पोरिक प्रकार का। इस प्रकार के एम्ब्रियोसिक डेवलपमेंट के दौरान मेगास्पोर मदर सेल सामान्य रूप से विभाजित होकर के 4 मेगास्पोर का निर्माण करता है और उसमें से 3 मेगास्पोर नष्ट हो जाते हैं जबकि शेष 1 मेगास्पोर सक्रिय रह करके एम्ब्रियो सेल का निर्माण करता है। सबसे पहला प्रकार है जिसको नाम देते हैं पॉलीगोनम प्रकार का एम्ब्रियो सेल। इसे स्टार्स बर्गर के द्वारा सबसे पहले पॉलीगोनम डेरिवेटिकम के अंतर्गत खोजा गया था, इसीलिए इस एम्ब्रियो सेल को पॉलीगोनम प्रकार का कहते हैं। पॉलीगोनम प्रकार के एम्ब्रियो सेल कहेंगे, जैसा कि हम जानते हैं कि सबसे सामान्य तो प्रारूपी की रूप से या प्रारूपी की प्रकार का एम्ब्रियो सेल है वो पॉलीगोनम प्रकार का है। डेवलपमेंट के आधार पर ये मोनोस्पोरिक होता है। कैसे होगा ये, तो इसके लिए हम इस डायग्राम को समझते हैं। मेगास्पोर मदर सेल विभाजित होकर के, और कौन से विभाजन के द्वारा, मियोसिस के द्वारा डिवाइड होकर के सबसे पहले 2 केंद्रकों का निर्माण करता है। इसमें दोनों केंद्रक आपस में जुड़े हुए हैं। इसके बाद में फिर मियोसिस सेकंड होगा जिसके फलस्वरूप कुल 4 मेगास्पोर का निर्माण होगा। इसमें केंद्रकों के विभाजन के तुरंत पश्चात कोशिका भित्ति का निर्माण हो जाता है। तो जो 4 मेगास्पोर का निर्माण हुआ उसमें से 1 मेगास्पोर है वो सक्रिय मेगास्पोर है। कैसा है, सक्रिय या फंक्शनल गुरु बीजाणु मेगास्पोर है। और शेष 3 निष्क्रिय हैं या विघटित होने वाले हैं। अब पॉलीगोनम प्रकार के एम्ब्रियो सेल में होता क्या है कि चारों गुरु बीजाणु एक लीनियर फॉर्म में है। इसमें से बीजाणुद्वारीय सिरे की ओर, मैंने नीचे क्यों बढ़ाए, क्योंकि इस एनाट्रोपस बीजाणु को लेते हुए मैं समझा रहा हूँ। तो यहाँ पर बीजाणुद्वार हैं वो नीचे की ओर है, निभागीय सिरा है वो ऊपर की ओर है। तो निभागीय सिरे की ओर स्थित गुरु बीजाणु सक्रिय रहता है जबकि बीजाणुद्वारीय सिरे की ओर निष्क्रिय रहता है। अब एक सक्रिय गुरु बीजाणु माइटोसिस फर्स्ट के द्वारा विभाजन के द्वारा 2 केंद्रक बनाएंगे, दोनों ही विपरीत ध्रुवों की ओर गमन कर जाते हैं, अर्थात एक निभागीय सिरे की ओर जाएगा और दूसरा बीजाणुद्वारीय सिरे की ओर जाएगा। दोनों ही केंद्रकों में समसूत्री विभाजन सेकेंड होता है, फलस्वरूप कुल 4 केंद्रक बनते हैं, 2 निभागीय सिरे की ओर और 2 ही बीजाणुद्वारीय सिरे की ओर। फिर एक समसूत्री विभाजन थर्ड होता है जिसके फलस्वरूप 4 केंद्रक बने। इसमें से एक एक केंद्रक भ्रूणकोश के मध्य में आकर के द्वितीयक केंद्र का निर्माण करता है जबकि शेष 3 केंद्रक दोनों ध्रुवों पर स्थित होकर इनके चारों तरफ जीवद्रव्य संग्रहित हो जाता है और कोशिका भित्ति का निर्माण होने से 3-3 कोशिकाओं का निर्माण होता है। निभागीय सिरे को स्थित 3 कोशिकाओं को एंटीपोडियल सेल्स नाम देते हैं, या हम उसको हिंदी में कहेंगे प्रतिमुखी कोशिका, जबकि बीजाणुद्वारीय सिरे को स्थित 3 कोशिकाओं में से एक बड़ी कोशिका होगी वो एक्सेल कहलाएगी और दूसरी 2 कोशिका होगी वो सिंड्रीज सेल के नाम से जानी जाएगी या हिंदी में इसको कहेंगे सहायक कोशिका। इस प्रकार के बने हुए भ्रूण कोश में 3 एंटीपोडियल सेल्स, 3 ही एग एपरेटस की कोशिका और 1 द्वितीयक केंद्रक या ध्रुवीय केंद्रक के रूप में या द्वितीय कोशिका जिसको कहते हैं। तो कुल 7 कोशिकीय भ्रूण कोश का निर्माण होता है। इस भ्रूण कोश की सूत्रगुणता, क्योंकि सब कोशिका हैं वो अगुणित हैं, केंद्रक अगुणित है, इसलिए उसमें कुल कितने केंद्रक हुए, 2 तो इसमें हुए, 3 और 3 6 और 2 8। इस प्रकार से इस पॉलीगोनम प्रकार के भ्रूण कोश की सूत्रगुणता होती है वो कितनी हुई, 8n। इसमें कोशिकाओं की संख्या कितनी हुई, 3 अंडोपकरण की, 1 द्वितीय कोशिका और 3 ही प्रतिमुखी कोशिका। तो 3+1+3 प्रकार का भ्रूण कोश का निर्माण हुआ। दूसरा प्रकार जिसमें चारों गुरु बीजाणु का निर्माण होता है
लेकिन निभागी सीरी की अवस्थित तीन गुरु बीजाणु विघटित हो जाते थे पॉलीगोनम में बीजाणु द्वारा सीरी की ओर और इसमें निभागी सीरी की ओर। शेष कितना रहा? एक रहा। अब एक गुरु बीजाणु बीजाणु द्वारा सीरी की ओर स्थित होकर सबसे पहले समसूत्री विभाजन फर्स्ट के द्वारा दो केंद्र बनाए और दोनों के बाद में एक और समसूत्री विभाजन हुआ यानी समसूत्री विभाजन सेकेंड हुआ जिसके फलस्वरूप कुल चार केंद्र को का निर्माण हुआ। अब समसूत्री विभाजन थर्ड नहीं हो रहा है जबकि पॉलीगोनम प्रकार में थर्ड हुआ था। थर्ड नहीं होने के कारण एक केंद्रक भ्रूण कोष के मध्य में आकर के द्वितीय केंद्रक जैसी कोशिका का निर्माण करता है और शेष तीन बीजाणु द्वारा सीरी को स्थित होते हैं। इसमें से दो कोशिका सहायक कोशिका के रूप में कार्य करती है जबकि एक कोशिका होती है वो अंड कोशिका के रूप में कार्य करती है। इस प्रकार में नया क्या हुआ? नया ये था कि इसमें निभागीय बीजाणु द्वारा सिरे के स्थान पर निभागीय सिरे की कोशिका विघटित हुई तो सक्रिय कौन सा हुआ? बीजाणु द्वारा। पॉलीगोनम में निभागीय प्रकार का पॉलीगोनम में तीन प्रकार के तीन बार समसूत्री विभाजन होता है इसमें केवल कितना होता है? दो बार। अब द्वितीय कोशिका में दो केंद्र थे यहाँ पर कोशिका में कितना है? एक केंद्रक जो कि भ्रूणपोष का निर्माण करेगी जबकि एंटीपोडियल सेल्स इसमें अनुपस्थित है पॉलीगोनम में उपस्थित है। इस प्रकार के भ्रूण कोष का अध्ययन सबसे पहले ऑनोग्रेसी कौन सा कुल? ऑनोग्रेसी फैमिलीज के इनोथेरा में देखा गया था इसलिए इसको सेकेंड टाइप के नाम देता है इनोथेरा टाइप का भ्रूण कोष। इसकी सूत्रगुणता कितनी हुई? 4n हुई। एंटीपोडियल सेल्स है ही नहीं तो अंड कोशिका 3+1+0 यानी एंटीपोडियल सेल्स नहीं है। तो पहली बार हम भ्रूण कोष में वेरिएशन देख रहे हैं। क्या वेरिएशन देख रहे हैं? कि प्राथमिक भ्रूणपोष कोशिका में सूत्रगुणता में 2n के स्थान पर कितनी है? n और एंटीपोडियल सेल कोशिका नहीं है। तो मोनोस्पोरिक प्रकार के एम्ब्रियो से कुल दो प्रकार के हुए इनोथेरा प्रकार के और पॉलीगोनम प्रकार के। पॉलीगोनम प्रकार में कुल तीन बार समसूत्री विभाजन होता है 7 कोशिकीय बनता है 3 एंटीपोडियल 3 एग सेल और 1 प्राथमिक भ्रूणपोष कोशिका। जबकि इनोथेरा प्रकार में बीजाणु द्वारा सीरी की स्थित सक्रिय गुरु बीजाणु भ्रूण कोष का निर्माण करता है 2 बार समसूत्री विभाजन होता है और एंटीपोडियल सेल्स इसके अंदर अनुपस्थित होती है। इसके साथ ही प्राथमिक भ्रूणपोष कोशिका की सूत्रगुणता भी n प्रकार की होती है। तो विद्यार्थियों सबसे पहला प्रकार मोनोस्पोरिक एम्ब्रियो सैक। दूसरा प्रकार बाइस्पोरिक प्रकार का भ्रूण कोष। इसमें क्या होगा कि गुरु बीजाणु मात्र कोशिका में समसूत्री विभाजन होगा और अर्धसूत्री विभाजन होगा इसके द्वारा दो केंद्रक बने और ये दोनों केंद्रक युक्त कोशिका बनी। केंद्रक विभाजन के तुरंत पश्चात इसमें कोशिका भित्ति का निर्माण होने से कितने कोशिका बनी? दो कोशिका बनी। इसको नाम देते हैं डायड। क्या नाम देंगे? डायड नाम देते हैं, द्वीक नाम देते हैं। एक केंद्रक में विभाजन के फलस्वरूप एक डायड का निर्माण हुआ और यदि इसके केंद्रक विभाजन के पश्चात अर्धसूत्री विभाजन सेकेंड के पश्चात कोशिका भित्ति का निर्माण होता है तो कुल 2 डायड का निर्माण होता है। कितने हुए? 2। इसमें से एक डायड होगा वो निभागीय सिरे का स्थित होगा और एक डायड होगा वो बीजाणु द्वारा सिरे का स्थित होता है। अब इसमें से इस द्विक में से कौन सा भ्रूण कोष का निर्माण करता है इसके आधार पर ये दो प्रकार के भ्रूण कोष हमारे सामने स्थित है। पहला है इलियम प्रकार का। इस प्रकार के भ्रूण कोष की खोज स्टार्स बर्गर के द्वारा 1879 में इलियम नामक प्लांट में की गई थी। 1879 में खोजा गया पहले प्रकार का भ्रूण कोष जिसमें था क्या?
डायड दो बनते हैं, लेकिन निभागी सीरी की स्थित डायड सक्रिय रहता है, जबकि बीजान द्वारा सीरी की स्थित डायड है वो निष्क्रिय है। तो वो कौन सा है? ये डी जनरेट वाला है। तो डी जनरेटेड डायड किस और स्थित है? बीजान द्वारा सीरी की ओर। सक्रिय डायड एक केंद्रक विभाजित होकर सामान्य प्रकार के भ्रूण कोष का निर्माण करते हैं, जिसमें पहला विभाजन से दो केंद्रक बने, दो से कितने बने, चार, चार से कितने बने, दोनों ध्रुव पर चार चार बने, इसमें से सामान्य प्रकार के पॉलीगोनम प्रकार का भ्रूण कोष का निर्माण करता है। लेकिन इसका निर्माण हुआ किससे? डायड से हुआ है, इसीलिए उसको बाइस्पोरिक नाम देता है। तो दो बीजाणु साथ में मिलकर के एक भ्रूण कोष का निर्माण करता है। सेकेंड इसी में था कि निभागीय सीरे का स्थित डायड निष्क्रिय हो जाता है, जबकि बीजाणु द्वारा सीरी को स्थित द्विक सक्रिय रहता है, और फिर वो सामान्य समसूत्री विभाजन के द्वारा विभाजित होकर के कितना बनाया? सामान्य प्रकार के पॉलीगोनम, जिसमें तीन एंटीपोडियल सेल्स होगी और तीन ही एक एपरेटस की कोशिका होगी और एक द्वितीयक त्रिविकोशिका युक्त कोशिका पाई जाएगी। इसमें भी एंटीपोडियल सेल्स की संख्या कितनी है? तीन है। एग एपरेटस कितना है? में तीन कोशिका, और द्वितीयक ध्रुवीय कोशिका कितनी? एक। तो सेम के सेम कंडीशन दोनों प्रकार के भ्रूण कोष के अंदर देखने को मिलती है। एंडिमियन और एलियम में बनने वाला भ्रूण कोष सामान्य पॉलीगोनम की तरह ही होता है, लेकिन इसका निर्माण एक गुरु बीजाणु के स्थान पर दो गुरु बीजाणु साथ साथ उपस्थित है, जिसको द्वि कहते हैं, के द्वारा होता है। एलियम में निभागीय सिरे की ओर स्थित सक्रिय द्वि के द्वारा, जबकि एंडिमोन में बीजाणु द्वारा सिरे की ओर स्थित सक्रिय द्वि के द्वारा सामान्य प्रकार के भ्रूण कोष का निर्माण होता है। तो इस प्रकार से विद्यार्थियों, आज हमने इस क्लास में एम्ब्रियो सेल के विभिन्न प्रकारों की एक आउटलाइन को समझा, और मोनोस्पोरिक तथा बाइस्पोरिक भ्रूण कोष का निर्माण कैसे होता है के बारे में विस्तार से हमने समझा है। हम नेक्स्ट क्लास के अंतर्गत टेट्रास्पोरिक एम्ब्रियो सेल के डेवलपमेंट और उसकी संरचना को पढ़ेंगे। नमस्कार।